संग नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में राजस्थान के स्थापत्य कला के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम दुर्गों की कुछ श्रेणियों के बारे में, इसके बाद हम राजस्थान की कुछ प्रमुख हवेलियों के बारे में, और फिर राजस्थान में प्रजामंडल से संबंधित कुछ देशों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे, जो अक्सर हमारी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज डायरी पर स्वागत है, और मैं आपका होस्ट आरके शर्मा आपके साथ इस पूरे वीडियो में बना रहूंगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान में दुर्गों की कुछ श्रेणियां। दुर्ग, राजस्थान जो है वो दुर्ग और किलों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जो दुर्ग है उनकी कुछ अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं। तो वो श्रेणियां किस तरह की हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दुर्गों के जो प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कौन से दुर्ग किस प्रकार की श्रेणी के हैं। जैसे एरन दुर्ग, एरन दुर्ग में हम सबसे पहले जिन दुर्गों को लेते हैं वो है कि यह डर्क काटो और टकटकी से निर्मित होता है, और इसमें उदाहरण अपन देखते हैं रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़ दुर्ग जो है वो इसमें शामिल है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, यहाँ पर ये टाइपिंग की मिसप्रिंट है। इसके बाद धानवन, जिसको मरुस्थल का दुर्ग भी कहा जाता है, यह दुर्ग है जो चारों तरफ रेत के ऊंचे टीलों से झगड़ता रहता है। चारों ओर इसके ऊंच के रेत के जो है ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, और इस प्रकार के जो टीले हैं वो जैसलमेर, बीकानेर व नागौर के जो किले हैं वो धानवन दुर्ग के उदाहरण है। अगला है ओदक दुर्ग। ओदक का मतलब जल दुर्ग से है। वे दुर्ग जो जल में स्थित है, जैसे इसके चारों ओर पानी से जो है ये घिरा हुआ होता है। और इस प्रकार के जो दुर्ग है ये है गागरों का किला जो झालावाड़ में है, और बड़ौदा गढ़ किला जो चित्तौड़गढ़ में है। गागरों के चारों ओर नदी बहती है, और इसी प्रकार से बड़ौदागढ़ किला है उसके चारों ओर भी पानी स्थित है। ठीक इसी प्रकार का जो दुर्ग है वो जो है हम डीग के महल जो है वो भी पानी में ही स्थित है, डीग जो भरतपुर में है। फिर है गृहिणी दुर्ग। गृहिणी दुर्ग में वे दुर्ग आते हैं, वे पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित है, और इसमें जल संग्रहण का अच्छा प्रबंधन होता है। इस प्रकार के जो दुर्ग होते हैं वो है कुंभलगढ़ में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, तारागढ़ अजमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ जयपुर, अचलगढ़ सिरोही और मेहरानगढ़ जोधपुर। ये सारे के सारे पहाड़ी पर स्थित हैं, और इनमें जल संग्रहण जो है वो बहुत अधिक मात्रा में अच्छे तरीके से अच्छे प्रबंधन के साथ होता है। आगे अपन बात करेंगे वह फौजी किला। फौजी किले में जो उसकी विशेषता होती है कि ये जो व्यूह रचना में चतुर्वीरों से व्याप्त होने से अभेद्य हो, ये श्रेष्ठ अंग जो है इस प्रकार का, इसको श्रेष्ठ अंग माना गया है और इनको फौजी किला कहा जाता है। इसके बाद में हम राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध हवेलियों की बात करने वाले हैं। राजस्थान जो है वो अपने किलों और दुर्गों और विभिन्न हवेलियों के लिए जाना जाता है। राजस्थान के शेखावाटी के अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के जो शहर हैं जिनमें बड़ी बड़ी हवेलियां हैं और उनको देखने के लिए लोग आते हैं, तो कुछ हवेलियों की अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नवलगढ़ झुंझुनू में जो हवेलियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर रूपनिवास, भगत, जालान,
पोद्दार और भगेरियों की हवेलियां हैं, जिनको देखने के लिए दूर दूर से देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। और ये अपने स्थापत्य कला, वहाँ के जो तेल चित्र है, जल चित्र है, और विभिन्न प्रकार की चित्रकारियों के लिए और स्थापत्य कला के लिए वो जो है जानी जाती है। तो नवलगढ़ में ये विशेष रूप से ये जो किले हैं, ये जो हवेलियां हैं, ये देखने लायक है। इसके बाद में बिसाऊ जो झुंझुनू में है, इसकी कुछ हवेलियां हैं। वो कौन सी है? नाथुराम पोद्दार की हवेली, सेठ जयदयाल सेठिया की हवेली और सीताराम सिंगतिया की हवेली। ये जो हवेलियां हैं ये बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। तो झुंझुनू जो है वो हमारे सामने शेखावाटी का प्रसिद्ध जो है जिला है, और अपने स्थापत्य कला के लिए और अपने ज्ञान और कौशल के लिए ये जिला जो है वो जाना जाता है। इसमें आगे जो है वो है डूंडलोथ। डूंडलोथ जो झुंझुनू में स्थित है, फिर से इसमें सेठ लालचंद गोयलका की जो हवेली है वो देखने लायक है। फिर है मुकुंदगढ़। मुकुंदगढ़ जो है वो डूंडलोथ से नजदीक ही पड़ता है, यह भी झुंझुनू में ही स्थित है। और इसमें जो हवेलियां हैं वो है सेठ राधा कृष्ण की और केसरदेव कानोड़िया की हवेली जो है वो यहाँ की प्रसिद्ध हवेली में आती है। वैसे तो आपको जितने नवलगढ़ है, डूंडलोथ है, मुकुंदगढ़ है, बिसाऊ है, इनमें बहुत सारी हवेलियां जो है वो बनी हुई है, और हर हवेली की एक अलग शान है, पहचान है। परंतु ये जो जिन हवेलियों का अपन यहाँ चित्रण वर्णन कर रहे हैं, ये हवेलियाँ कुछ विशेषता लिए हुए हैं, इसलिए और ये प्रसिद्ध भी हैं, इसलिए इन हवेलियों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। फिर महेंद्र जो झुंझुनू जिले में स्थित है, इसमें भी जो है कुछ ये चूरू बॉर्डर पर आता है महेंद्र, और इसकी जो हवेली है वो सोने चांदी की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है, और इसकी जो स्थापत्य कला है वो भी देखने लायक है। इसके बाद में आगे श्री माधोपुर जो सीकर है, इसमें पंसारी की हवेली जो है वो अच्छी हवेलियों में आती है। फिर चिड़ावा जो झुंझुनू में स्थित है, यह भी हवेलियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें बगड़िया की हवेली जो है, जिसको बगड़िया की हवेली भी कहते हैं, ये देखने लायक है। फिर लक्ष्मणगढ़ सीकर, लक्ष्मणगढ़ जो है वो अपनी हवेलियों के लिए वाकई प्रसिद्ध है। आकर्षक हवेलियां और भवन निर्माण का अद्भुत जो है वो कार्य वहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर जो हवेली है वह चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली, ये प्रसिद्ध हवेलियों में है। इसके बाद में हमारे सामने जो हवेली है वो फतेहपुर सीकर में। फतेहपुर सीकर की हवेलियां अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। इसमें नंदलाल देवड़ा की हवेली प्रसिद्ध है। वैसे फतेहपुर में हवेलियां जो है वो एक से बढ़कर एक है, और झुंझुनू और चूरू और आपका जो है फतेहपुर, ये लक्ष्मणगढ़, ये इन हवेलियों को जो है कई हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में भी दिखाया गया है, और अपने आप में इनका एक विशेष आकर्षण भी है। तो आगे की हवेली आती है रामगढ़। रामगढ़ जो है वो अपने आप में बड़ी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ताराचंद रुहिया की हवेली जो है वो देखने लायक है। यहाँ पर एक वर्णन करना बहुत बेहतर रहेगा कि एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की, जिसमें गुलामी फिल्म थी, तो इसकी जो सारी शूटिंग हुई थी वो फतेहपुर, रामगढ़, बिसाऊ, झुंझुनू, नवलगढ़ और इन हवेलियों में इसकी शूटिंग भी हुई है, और अपन वहाँ पर इसको व्यक्ति से जो है वो देख सकते हैं और जान सकते हैं इन हवेलियों के बारे में। आगे है सीकर में कुछ हवेलियां हैं। सीकर शहर जो है वह उसमें भी बहुत सारी हवेलियां हैं। गोरीलाल बियानी की जो हवेली है वो वहाँ की प्रसिद्ध हवेलियों में आती है। इसके बाद में जो
और हवेलियां हैं वो है चूरू में। चूरू में वैसे तो चूरू के राजगढ़, सरदार शहर, सुजानगढ़, ये सारे शहरों में ही बहुत सारी हवेलियां जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। कुछ हवेलियों का वर्णन मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चूरू में आपको मालजी का कमरा के नाम से एक हवेली है, रामनिवास गोयनका की हवेली है और मंत्रियों की हवेली है। मंत्री जो है वो माहेश्वरी जो वेश्य होते हैं उनमें एक गोत्र होता है, इसलिए इसको मंत्री कहा जाता है। इसके बाद में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है प्रजामंडल दिवसों के बारे में। कुछ विशेष दिवसों का वर्णन हम यहाँ पर आपके समक्ष करने वाले हैं और वो जो दिवस है वो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है जवाहर दिवस, ये 14 नवंबर 1930 को जो है ये वहाँ से इसका प्रारंभ होता है और जैसलमेर रियासत से इसका संबंध है। मोतीलाल दिवस, मोतीलाल तेजावत से इसका संबंध है, जो 5 अप्रैल 1931 को जो था उससे हुआ और जयपुर रियासत से इसका संबंध है। इसके बाद जयसिंहपुरा गोलीकांड, ये 21 जुलाई 1934 को ये हुआ था और यहाँ ये स्थल जो है इस दिवस को भी मनाया जाता है। शेखावाटी रियासत से इसका संबंध है। सीकर दिवस, जो सीकर रियासत से संबंध है और 26 मई 1935 की घटना के बाद में सीकर दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। कृष्ण दिवस, जो सीकर रियासत से संबंध है और 1936 में हुई एक घटना से इसका संबंध है। फिर है उत्तरदायी शासन दिवस, जिसका जोधपुर रियासत से संबंध है और ये 28 मार्च 1941 की किसी घटना से इस दिवस का को मनाया गया है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं मारवाड़ सत्याग्रह, यह दिवस इस जो है 26 जुलाई 1942 को इसका प्रादुर्भाव हुआ था और इसका संबंध जोधपुर रियासत से है। फिर है गांधी उपवास दिवस, जिसका जयपुर रियासत से संबंध है और ये 24 फरवरी 1943 को जो है गांधी जी से संबंधित घटना की वजह से उसे मनाया जाता है। फिर है नेताजी दिवस, जिसका संबंध बीकानेर से है और 23 जनवरी 1946 को हुई घटना से इसका संबंध है। फिर है किसान दिवस, जिसका संबंध बीकानेर से है और इसे 6 जुलाई 1946 की घटना के बाद मनाया जाता है। इसके पश्चात जो दिवस है वह है बीरबल दिवस, 17 जुलाई 1946 को इसकी घटना से इसका संबंध है और बीकानेर जिले से इसका जो है गहरा संबंध भी है। इसके पश्चात मुक्ति दिवस, जयपुर रियासत से इसका संबंध है, जो 28 अक्टूबर 1946 को हुई घटना से के पश्चात इसे मनाया जाता है। तो ये आज हमने हमारे वीडियो में कुछ स्थापत्य कला के दुर्ग जो है उनके बारे में, दुर्गों की श्रेणियों के बारे में जाना है, कुछ हवेलियों के बारे में जाना है और कुछ प्रजामंडल से संबंधित दिवसों के बारे में हमने जाना है। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे चैनल नॉलेज डायरी पर बने रहें ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए और देखते रहें। तब तक हैव हैप्पी लर्निंग।